तर अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी जितेंद्र आव्हाडांनी एक ऑडिओ क्लिप पोस्ट केली आहे. यामध्ये दोन अज्ञात व्यक्ती अक्षयच्या एन्काउंटरबद्दल बोलताना ऐकायला मिळत आहे. एन्काउंटर झाला त्यावेळी आपली गाडी या पोलिसांच्या व्हॅन मागेच होती आणि आम्ही गोळीबाराचे 3 राऊंड ऐकले असा दावा अज्ञाताकडून करण्यात येतोय. पुढारी न्यूज मात्र या ऑडिओ क्लिपची पुष्टी करत नाही. क्या है ना, वो जो अक्षय शिंदे का जो मर्डर हुआ है ना, वो उसके पीछे मेरी गाड़ी थी. अच्छा, मेरी फट गई तो मैं बाद में फिर कुछ नहीं कर पाया. मतलब आपको बोलता हूँ, फिर बाद में बोलो कुछ गलत मैसेज ना चला जाए, मेरे पीछे लगेंगे. अच्छा, तो वीडियो था क्या आपके पास? नहीं नहीं, वीडियो तो नहीं था. मैं और मेरा सालाम रैली में जा रहे थे. हाँ. इसके ऊपर अपने बाईपास पे, मुमरा बाईपास पे. हाँ. तो वाई जंक्शन ब्रिज पे थे. हाँ, वहां से जा रहे थे. वाई जंक्शन पे हम लोग बाद में पहुंचे, इसका सब टिंग टोंग सुनने के बाद. अब अपने मुमरा का पहाड़ चढ़ते है ना. हाँ. तो अपने पीछे आगे, मतलब पीछे से ओवरटेक करके आई थी उनकी वैन. हाँ. उसमें ऑलरेडी उन्होंने पर्दे लगाए थे सब यहाँ से. अच्छा. तो पहले उसकी गाड़ी उछली तो ठक कर क्या आवाज आया, हमको लगा गाड़ी का पाटा बजा गया. हाँ. सेकंड आवाज आई तो मैं थोड़ा डर गया, बोला कुछ तो इश्यू होगा. और वो पुलिस वाले ने भी गाड़ी रोकी, वो बाहर है, उसने दरवाजा खोला, दो पुलिस वाले शायद कुछ उतरे, वापिस उन्होंने बंद किया, वापिस चले गए. फिर तीसरी आवाज आई. अच्छा. तो हम लोग डर गए, फिर मैं ओवरटेक मार के भाग गया, वो कलवा की तरफ घुस गए. हाँ. हम लोग अपने टी जंक्शन की तरफ चले गए. अच्छा. अभी आपसे भी बात करने मेरी पड़ रही है, बोलो आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम होने की है. यानी कैसा होता है, अभी ऐसा समझो कि एक आपके 20 हाथ के ऊपर गाड़ी है और वहाँ पे हमको पहले ऐसा लगा गाड़ी का पाटा बजा गया, गाड़ी उछलती है ना. हाँ, ठक करके, फिर सेकंड ठक करके, एंड देन फिर तीसरा ठक, और गाड़ी को सब पर्दे लगाए थे. मेरा साला भी डर गया, बोले भाईजान चलो यहाँ से. अभी मोबाइल वोबाइल अपना चालू नहीं था, हम तो बस रैली में जा रहे थे, तो बोला सुकून से चलो चुपचाप. और उसके बाद जब मैं हम लोग आए यहाँ पे, अभी मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसी न्यूज आ रही है अक्षय शिंदे की. हाँ. तो फिर मैं बोला यार किसको पता है.